अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जीशानुल्ला है और मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसे कहते हैं। प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन हैज बीन डिफाइंड एज प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट कंप्यूटराइज द ट्रेडिशनल लाइब्रेरी फंक्शंस यूजिंग अ कॉमन डेटाबेस। प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये एक प्लानिंग होती है किसी भी लाइब्रेरी के जो मैनुअल फंक्शंस हैं, जो ट्रेडिशनल फंक्शन है, उसको हम ऑटोमेट करें किसी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। मेरी आवाज आ रही है सब तक? अच्छा, इसे बहुत गड़बड़ की आवाज आ रही है। वो तो पता नहीं, मुर्गियां पाल रखी हैं तो उसकी आवाज आ रही है। किसके घर में मुर्गियां, जरा खुद को म्यूट कर लें, सही। चलो ठीक है, ये मसले होते रहते हैं घर में जो है। मैंने भी इतनी मुश्किल से उन बच्चों को जो है कमरे में बंद किया हुआ है। मैंने कहा कि आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये मसले होते हैं। खैर है, कोई मतलब ऑफिसेस हो तो फिर उसमें शोर नहीं होता, घर में कोई ना कोई मसला ये आ जाता है। तो प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन ये है कि आप किसी भी लाइब्रेरी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को सेलेक्ट करने से पहले या अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेट करने से पहले कौन कौन से एरियाज हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे और उसके मुताबिक जो है प्लानिंग करेंगे, तो वो सारे स्टेप अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप जो है, आपने क्या करना है कि डेवलपिंग अ लाइब्रेरी प्रोफाइल, अपनी लाइब्रेरी का प्रोफाइल आप लोगों ने क्रिएट करना है। सबसे पहले काम आपने ये करना है। अब लाइब्रेरी का प्रोफाइल आप लोग तो कहते हैं कि मतलब हमारी तो अपनी लाइब्रेरी, हमें तो पता है। हाँ ठीक है, आपको तो पता है, लेकिन जो मतलब सॉफ्टवेयर आपने डिप्लॉय करना है या जिस कंपनी से आपने लेना है या जिस वेंडर से आपने लेना है, उनको आपने फिर बताना होता है कि कौन कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो पहले से आप लोगों को ये चाहिए कि आप ये स्टडी कर लें कि मेरी क्या क्या रिक्वायरमेंट है या मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है या मुझे क्या चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो आप डेवलपिंग ए लाइब्रेरी प्रोफाइल, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी का प्रोफाइल बनाएं। लाइब्रेरी का प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तो आप लोग के बहुत काम आएगा। मतलब जिस वेंडर से आप लोग परचेज कर रहे हैं उसको भी आप कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोफाइल है। अच्छा, प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें होती है, ठीक है, प्रोफाइल में कौन कौन सी चीजें आप लोग शामिल करेंगे, उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि आपके पास कितने टाइटल्स हैं, नंबर ऑफ टाइटल्स एंड वॉल्यूम्स इन द कलेक्शन करंटली आप लोग के पास कितनी कलेक्शन अवेलेबल है और प्रोजेक्टेड कलेक्शन कितनी होगी। जिस तरह हम कहते हैं कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो वो तो लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म इस सेंस में है कि लाइब्रेरी में जो है मतलब मुख्तलिफ किस्म की न्यू अराइवल्स आती हैं, वो न्यूज़पेपर की शक्ल में हो, वो जर्नल्स की शक्ल में हो, या वो हमारे पास जो है किताबों की शक्ल में हो, तो ये लाइब्रेरी ग्रो करती है। तो आप लोग को अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट नेक्स्ट 20 ईयर्स की प्लानिंग करें मिनिमम। कि अभी आप लोगों के पास सपोज लाइब्रेरी में कलेक्शन है 1 लाख, तो आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट 20 इयर्स में मेरी कलेक्शन और कितनी बढ़ेगी। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आइंदा 20 सालों में मेरी कलेक्शन जो है इसके डबल हो जाएगी, 2 लाख तक पहुंच जाएगी। तो आप क्या करें, स्टेटिस्टिक अपने पास रखें कि नंबर ऑफ टाइटल्स आप लोगों के पास कितने हैं और जो आने वाले जो आपके पास टाइटल्स है वो कितने होंगे, प्रोजेक्टेड मतलब एस्टिमेटेड आप लोग अपने पास लिख लें। पहला काम ये करें लाइब्रेरी प्रोफाइल बनाने के लिए। दूसरा काम ये करें कि आपके पास आपके यूजर्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ बोरोवर्स कितने हैं आप लोग के पास। बोरोवर्स वो लोग होते हैं जो आपसे किताबें इशू करते हैं, या आपके यूजर्स होते हैं, या उसको हम पेटर्न्स कहते हैं। तो आप नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी यूजर्स वो लिख लें और नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड के मतलब और कितने हमारे पास यूजर जो है फ्यूचर में आ सकते हैं, तो एस्टिमेटेड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या हो गया, पहला तो हमने टाइटल्स का जिक्र किया, फिर हमने अपनी लाइब्रेरी यूजर्स का जिक्र किया कि ये हमारा करंट सिचुएशन क्या है और प्रोजेक्टेड क्या होगा। फिर उसके बाद तीसरे आप क्या करें, नंबर ऑफ मटेरियल सर्कुलेटेड,
करंटली कितने नंबर ऑफ मटेरियल सर्कुलेट होते हैं और फ्यूचर में कितने होंगे, तो ये तो आप लोग की अपनी लाइब्रेरी होगी जिसमें आप काम कर रहे होंगे, आप लोग के पास ऑलरेडी पहले से स्टैटिस्टिक अवेलेबल होंगे कि हमारे डेली सर्कुलेशन कितनी होती है, हमारी लाइब्रेरी में डेली कितने लोग आते हैं और कितनी किताबें इशू करते हैं और रिटर्न करते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो भी नोट कर लें, फिर उसके बाद जो आपकी प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास और भी डिसिप्लिन आएंगे। अच्छा, किसी ने लाउड स्पीकर ऑन किया है वो जरा म्यूट करें क्योंकि आवाज फिर जो है मुझे दोबारा आ रही है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यू मटेरियल्स एक्वायर्ड, नंबर ऑफ न्यू मटेरियल्स एक्वायर्ड, लाउड स्पीकर किसी ने ऑन किया है वो काइंडली थोड़ा सा स्लो कर लें। मेरी आवाज आ रही है सब तक? अच्छा चलो सही है, मैं कर लेता हूँ। जी जी नहीं ना, देखिए नंबर ऑफ यूजर्स तो वो है कि आपके पास रजिस्टर्ड लाइब्रेरी यूजर्स कितने हैं। एक मिनट में जरा, अगर मैं अगर सबको म्यूट कर लूं तो फिर आप लोग को क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो काइंडली जिसने लाउड स्पीकर ऑन किया है मेरे ख्याल में मेहरीन जिया जो है, अच्छा नंबर ऑफ यूजर्स आपने कहा मतलब बार जो है आपके कितने हैं, ठीक है, और आपने कहा कि सर्कुलेटेड, तो मैंने नंबर ऑफ मटेरियल सर्कुलेटेड कहा है, बार वर्स तो आपके हो गए जो आपकी लाइब्रेरी यूजर। जी जी नहीं 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 नहीं, आप जरा मेरी बात सुने मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपके जितने भी रजिस्टर्ड यूजर हैं, ठीक है, जितने भी रजिस्टर्ड यूजर हैं वो रोजाना तो लाइब्रेरी नहीं आते ना। लेट सपोज आपकी लाइब्रेरी में 2000 स्टूडेंट जो है वो रजिस्टर्ड है लाइब्रेरी में, तो 2000 स्टूडेंट इकट्ठे तो लाइब्रेरी नहीं आते ना और ना जाते हैं, ठीक है। एक के बाद दूसरी सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल्स उसको कहते हैं कि इशू जितने हो रोजाना, लेट सपोज आज आपकी किताबें जो है 50 बंदों ने इशू किए और 30 बंदों ने रिटर्न किए, कल को 30 बंदों ने इशू किए और 70 बंदों ने या 50 बंदों ने रिटर्न किए, तो ये क्या है जी, डेली बेस सर्कुलेटेड ऑफ आइटम्स जो होते हैं डेली बेस पे आप बनाए तो आप उससे एवरेज निकाल सकते हैं, या आप मंथली बनाए तो मंथली से आप कह सकते हैं कि सालाना मेरी इतनी है, ठीक है, तो एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि इतनी किताबें जो है वो सर्कुलेट होती है रोजाना। सर्कुलेट मतलब अलग है और रजिस्टर्ड यूजर का मतलब अलग है, वो तो यूजर से आपके पास हो सकता है वो 3000 यूजर आपके पास रजिस्टर हो, लेकिन आपके पास जो बंदा आ रहा है और किताब इशू कर रहा है या रिटर्न कर रहा है इसको हम सर्कुलेटेड मटेरियल्स कहते हैं। एक किताब होगी आपके पास, ठीक है, वो जो पूरे साल भी इशू ना हुई हो और ना किसी ने रिटर्न की हो, एक बंदा होगा जो पूरे साल में आपकी लाइब्रेरी में नहीं आया होगा और ना जो है उसने कोई किताब इशू की होगी, तो वो तो इस जमरे में फिर नहीं आता, सिर्फ वो बंदे आते हैं जो किताब इशू करते हैं अपने लिए अपने नाम पे और या रिटर्न करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि सर्कुलेटेड जो किताब वो रिटर्न करता है या इशू करता है वो मटेरियल जो है उसको हम कहते हैं सर्कुलेटेड मटेरियल्स, कि आपके सर्कुलेशन रजिस्टर में कितने लोग जो है करंटली इशू रिटर्न करते हैं और प्रोजेक्टेड मतलब फ्यूचर में कितने लोग करेंगे। समझ आ गई आपको बात? अच्छा, नंबर ऑफ मटेरियल सर्कुलेटेड ये भी हो गया, फिर हमारे पास है नंबर ऑफ न्यू मटेरियल्स एक्वायर्ड करंट एंड प्रोजेक्टेड, मतलब नंबर ऑफ न्यू मटेरियल्स एक्वायर्ड करंट एंड प्रोजेक्टेड।
आपको पता है ना कि आपका सालाना बजट कितना है, बुक्स के लिए आपने कितना रखा है, तो आप जितनी किताबें मतलब इस साल आपने खरीदी है, पिछले साल खरीदी है, या आप कहते हैं कि मैं न्यू आइटम्स इतने खरीदूंगा या खरीदूंगी, ठीक है, और आपका करंटली मतलब जो अवेलेबल स्टॉक है वो तो ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ टाइटल्स और वॉल्यूम्स आपके पास कितने हैं, तो न्यू मटेरियल जो आप कितने एक्वायर करेंगे वो भी आप अपने पास रख लें, मतलब लिख लें उसमें लाइब्रेरी प्रोफाइल में। फिर आप इंटर लाइब्रेरी लोन लेन टू एंड बोरोड फ्रॉम अदर लाइब्रेरीज, अगर आपकी लाइब्रेरी में इंटर लाइब्रेरी लोन की फीस वो है पॉलिसी है आपकी, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम लाइब्रेरीज में इंटर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी नहीं होती है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स इन्वॉल्विंग द लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी एड्रेस एंड हावर्स ऑफ ऑपरेशन, आप अपनी लाइब्रेरी की जो डेली रूटीन है कि कितने हावर्स ये ओपन होती है, हफ्ते में कितनी मतलब 24/7 है या नहीं 12/7 है, कितने इसकी ऑपरेशनल हावर्स है, कब से कब ये ओपन होती है और कब ये क्लोज होती है, तो ये भी आप लोग अपने पास वो लिख लें। फिर लाइब्रेरी प्रोफाइल में और कौन कौन सी चीजें हैं, इन एडिशन इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक स्टॉक ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ऑटोमेशन इन द लाइब्रेरी बाय कंपाइलिंग द फॉलोइंग डेटा। अच्छा, कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं, लेट सपोज आप अभी तक लिम्स पे काम कर रही थी, या आप लोग लिम्स पे काम कर रहे थे, या कोई और सॉफ्टवेयर कोई यूज कर रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो बात लाइब्रेरियन इस तरह करते हैं कि तो वो एक्सेल में डेटा एंट्री स्टार्ट कर लेते हैं, तो एक्सेल में एंट्री करते हैं, तो लेट सपोज 1 लाख कलेक्शन है और उसने 10,000 एंट्रीज जो है वो अपने उसकी की हुई है, अपनी लाइब्रेरी की ऑटोमेशन की है, किस चीज के जरिए से एक्सेल को यूज करते हुए, तो आप क्या करें, आप उसका परसेंटेज भी लिखें कि कितने परसेंट किताबें जो है हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, उसका बिबलियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन वो कंप्यूटर में एंटर कर चुके हैं, ये भी आप लोग नोट कर लें। परसेंटेज ऑफ कलेक्शन दैट हैज कैटलॉग रिकॉर्ड्स इन मशीन रीडेबल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ कलेक्शन विदाउट मशीन रीडेबल कैटलॉग रिकॉर्ड्स। अच्छा, इस तरह है ना कि ये मार्क का नाम सुना है आप लोगों ने, सर ये किसे कहते हैं, मशीन रीडेबल मतलब ये एक कैटलॉग होता है जो हम स्वेप करते हैं, जिस तरह हम अपना क्रेडिट कार्ड स्वेप करते हैं मशीन में, इस तरह होता है। मुझे एग्जांपल देना, ये एक कार्ड होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक कार्ड होता है, अच्छा उसकी तरह होता है, मतलब एक कार्ड होता है जिसको सिर्फ मशीन रीड करे, आप लोग का ये मतलब ऐसे। नहीं, कोई एक एग्जांपल मुझे दे देना मार्क की। मतलब ये है, देखो मशीन रीडेबल कैटलॉग हमारे जहन में डायरेक्ट इस तरह आ जाता है कि ये वो फॉर्म है कैटलॉग की जिसको मशीन या कंप्यूटर जो है रीड कर सकता है, सिर्फ ये है आपके जहन में, यानी कुछ और भी है। स्क्रिप्ट का आपने जो कहा वो भी बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था कि आप मुझे एग्जाम्पल देते तो मैं समझ जाता कि आप लोगों को सही इसकी समझ आ रही है, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं। अच्छा, इस तरह है ना कि सिंपल सी बात है, 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन आप लोगों को पता है बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में जो हम देते हैं, यस सर, यस सर, गुड, कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बस ठीक है, आप लोग को आइडिया है, ठीक है, 8 एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल स्पेसिफिक डिजिग्नेशन, फिर उसके बाद एडिशन स्टेटमेंट, पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आता है। अच्छा, आप एक किताब की एंट्री करते हैं, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर में आप एंटर कर रहे होते हैं, ठीक है, जिस तरह किसी ने बात की थी कि हमें लिम्स का पता है, लिम्स आप लोगों ने पढ़ा है,
अच्छा मैं आपको बताता हूँ, लिम्स ना भी हो जो भी हो, आप एक किताब की एंट्री कर रहे हैं तो यही एट एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उसको लिखते हैं कि ये टाइटल है, ये आथर है, ये पब्लिशर है, ये सारे नाम लिखते हैं ना आप कंप्यूटर में, ठीक है। अब कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो मशीन रीडेबल कैटलॉग के साथ कंपेटेबल होता है, मतलब मार्क कंपेटेबल होते हैं, लेकिन पहले जो सॉफ्टवेयर होते थे जिस तरह आजकल हमारे पास लिम्स भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन वो लिम्स जो है वो मार्क कंपेटेबल नहीं है। मार्क की मैं आपको वो जो स्क्रिप्ट आपने कहा वो आपको समझाना चाहता हूँ। आप लिखते हैं टाइटल, आपकी एक लाइब्रेरी है, दूसरा बंदा है उसकी दूसरी लाइब्रेरी, तीसरी, मतलब आप चार पांच जितनी भी क्लास है आपकी, कल को आप प्रोफेशनल लाइब्रेरियन होंगे किसी न किसी लाइब्रेरी में, तो आप क्या करते हैं, आपके पास सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे पहले ऑप्शन है टाइटल, फिर आथर और फिर इस तरह पब्लिशर। दूसरा है उसके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें सबसे पहले ऑप्शन जो एक्सेशन नंबर का है, फिर दूसरा आथर का है, फिर तीसरा टाइटल का है। तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि कंप्यूटर जो है वो किस चीज के बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, वो डिजिट्स को जानता है, वो एबीसी को नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है मशीन रीडेबल कैटलॉग को इंट्रोड्यूस किया है। मशीन रीडेबल कैटलॉग जो है ये एक्चुअली स्टैंडर्ड है। इन्होंने क्या किया है कि एट एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है उनको हर एक एरिया को इन्होंने डिजिट्स असाइन किए, हर एक एरिया को डिजिट्स। लेट्स सपोज है टाइटल, तो टाइटल को इन्होंने दिया है 245A, आथर है, आथर को इन्होंने दिया है 100A। तो अगर मेरा सॉफ्टवेयर जो है मार्क कंपेटेबल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें इंटर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी डाल सकता हूँ, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए, क्योंकि किसी के पास पहले एक्सेशन नंबर है, किसी के पास टाइटल पहले है, किसी के पास आथर पहले, अगर इस मार्क की कंपेटेबिलिटी हम ना करें तो फिर हम जब डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें हमें मसला आएगा। तो एक स्टैंडर्ड लाने के लिए इन्होंने जितने भी बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है हर एक टैग के लिए इन्होंने अलग अलग डिजिट्स जो है वो असाइन किए हुए हैं। समझ आ गई आप लोगों को? ये मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को जब कोहा पढ़ाऊंगा ना तो उस कोहा में मैं आपको सारे टैग्स बता दूंगा कि ये देख लें, और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बताऊंगा कि दूसरी लाइब्रेरी से हम कैसे डेटा इंपोर्ट करेंगे या दूसरी लाइब्रेरी को हम अपना डेटा कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप लोग का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन माशाल्लाह चाहे आप लोग मतलब आइडिया है इस चीज का। गुड गुड गुड, ठीक है, बस यही चीज है ना, मैंने कहा था कि आप लोगों को आइडिया हो। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या कहा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ कलेक्शन हैविंग कैटलॉग रिकॉर्ड्स, मतलब मशीन रीडेबल कैटलॉग के फॉर्म में आपके पास कितनी एंट्रीज है, ये इस सेंस में है ना, ये प्रेजेंटेशन आप लोग के पास पड़ी है जो मैं आपको वो अभी कर रहा हूँ, और इसकी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ साथ साथ, मतलब इस प्रेजेंटेशन की वो भी शेयर कर लूंगा, फिर आप लोग देख लेना। तो मैंने कहा कि जितनी भी कैटलॉग की एंट्रीज आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मशीन रीडेबल है वो भी लिख लें, जो मशीन रीडेबल कैटलॉग वो जो नहीं है रिकॉर्ड्स नहीं है उसको भी आप लिख लें। मतलब ये है कि आपके पास कुछ बुक्स जो है आपने लिम्स में एंटर की थी, कुछ आपने फिर कोहा में एंटर कर लिया किसी और ऐसे मार्क कंपेटेबल सॉफ्टवेयर में, और अभी आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इन सब का डेटा आप लोग क्या कर लें, अपने पास लिख लें। डिस्क्रिप्शन ऑफ करंटली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी फंक्शंस, अपनी लाइब्रेरी की आपकी जितनी फंक्शंस हैं तो उसमें कौन कौन सी फंक्शन ऐसी है जो ऑटोमेट हुई है और कौन कौन सी नहीं हुई, वो भी आप लोग लिख लें। एस्टिमेट्स ऑफ द लोकेशन एंड नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस टू शो वेयर यू इंटेंड टू हैव इक्विपमेंट इन एनी फ्यूचर सिस्टम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, आप ये भी देख लें कि आपकी लाइब्रेरी में आपके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं। लेट्स सपोज कंप्यूटर्स कितने हैं आपके पास, लैपटॉप कितने हैं, बारकोड रीडर है या नहीं है, वॉक थ्रू गेट है या नहीं है, तो एग्जिस्टिंग जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन में काम आएंगी वो भी आप लोग लिख लें कि ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये भी लिख लें कि इसके अलावा हमें और कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये चीजें भी आप लोग लिख लें इसमें। एट द सेम टाइम दैट दिस जी हाँ, सब कुछ देखो, आपकी लाइब्रेरी की जितनी भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो आप लोग डेफिनेटली लिख रहे हैं, वो बुक मटेरियल है, नॉन बुक मटेरियल है, या आप जो फ्यूचर में सर्विसेज देंगे। लेट्स सपोज आप कहें कि मैं ओपेक के लिए चार पांच कंप्यूटर मुख्तस करना चाहती हूँ, तो आप क्या करें, आपके पास है एक कंप्यूटर, तो आप लिख लें कि मेरे पास फिलहाल एक कंप्यूटर है ओपेक के लिए, और मैं चाहती हूँ कि
कम से कम 10 कंप्यूटर्स मुख्तलिफ जगहों पे रखे हो मैंने, किस चीज के लिए, ओपेक को सिर्फ सर्च करने के लिए। फिर कंप्यूटर लैब अगर आप चाहती हो तो कंप्यूटर लैब के लिए जितने प्रोजेक्टेड वो आप लिख सकते हो। तो ये सारे स्टैटिस्टिक जितने आपकी करंट सिचुएशन है वो बयान करें, और जितने आपको एक्सपेक्टेड या प्रोजेक्टेड जो आपको चाहिए वो भी आप लोग लिख लें अपनी लाइब्रेरी का, ठीक है। तो ये था डिवेलप अ लाइब्रेरी प्रोफाइल। हम किस चीज में लगे हुए, हम लगे प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन। प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन में सबसे पहले हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि डेवलपिंग अ लाइब्रेरी प्रोफाइल, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी प्रोफाइल डेवलप करेंगे। तो लाइब्रेरी प्रोफाइल में जो जो बड़ी बड़ी चीजें आती थी वो मैंने लिख ली है। इसके अलावा और भी आप लोग के जहन में अगर कोई हो तो आप लोग लिख सकते हो। फिर दूसरा जो है हमारा, जी जी लाइब्रेरी में, तो उसने कहा कि ये जो है इक्विपमेंट्स में आती है, जो कि आपने ऑप्शन बताया कि हम जो है लाइब्रेरी मटेरियल जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हो या हमारे पास अवेलेबल हो, उसमें आपने एग्जांपल दिया कि जैसे बारकोड है हमारे पास, लैपटॉप्स हैं या और कोई रीडेबल फॉर्म, मतलब हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। तो ये जो जब हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास मटेरियल और टेबल्स जो है ये तो इक्विपमेंट्स। अच्छा, इस तरह है ना कि मैंने आपको कहा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में अगर आपको कंप्यूटर चेयर्स और कंप्यूटर टेबल विद कंप्यूटर ये चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग लिखेंगे। अब कंप्यूटर तो आप हवा में नहीं रख सकते, ठीक है, तो उसके लिए और ना कोई बंदा, जी जी अब भी हम पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन के से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो एग्जिस्टिंग आप लोग लिख लें। अभी एग्जिस्टिंग लिस्ट, सपोज आपने एक सिस्टम रखा है सर्कुलेशन काउंटर पर और आपके फ्यूचर में चाहिए 4 कंप्यूटर्स, तो आप क्या करें, एग्जिस्टिंग लिखे कि इस सेक्शन में मेरे पास एक कंप्यूटर है और मुझे फ्यूचर में 3 या 4 चाहिए होंगे। आप लोग लिख रहे हैं रेफरेंस सेक्शन में मेरे पास एक कंप्यूटर है तो मेरे पास 4 कंप्यूटर और होने चाहिए। तो अगर 4 कंप्यूटर और आएंगे तो उसके साथ आप लोग इक्विपमेंट्स में ये टेबल्स वगैरह भी शामिल करेंगे ना, टेबल्स है, चेयर है, ठीक है, तो वो भी आप लोग लिख लें। आप स्टडी केरल जो है वो करना चाहते हैं और उसमें कंप्यूटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो स्टडी केरल्स भी आप लोग डिफाइन करेंगे, उसके साथ जो बंदा बैठेगा वो चेयर भी आप लोग लिखेंगे। मतलब प्रोजेक्टेड जो जो चीजें आप लोगों को चाहिए या करंटली जो जो अवेलेबल है तो आप लोग अपने उसमें मेंशन करेंगे, क्योंकि ये एक प्लानिंग का हिस्सा है। तो अगर आप सही कंप्यूटराइजेशन चाहते हैं, लाइब्रेरी ऑटोमेशन चाहते हैं, तो सही प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसमें हर एक चीज का आप ख्याल रखेंगे। तो डेवलपिंग अ लाइब्रेरी प्रोफाइल ये एक जो है हमने डिस्कस किया। अभी आप लोग की हो सकता है दूसरी क्लास हो तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेना चाहता। कल जो हम डिस्कस करेंगे तो डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक प्लान है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सेटिंग सर्विसेज प्रायोरिटीज हैं, फिर अवॉर्ड अबाउट कास्ट है, इसकी प्राइसेस क्या होगी, फिर उसके बाद सिस्टम स्पेसिफिकेशंस जो है। तो आहिस्ता एक एक चीज जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फिलहाल। फिर उसके बाद डेवलपिंग अ फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट आप कैसे बनाएंगे। फिर उसके बाद इवैल्यूएटिंग वेंडर्स प्रपोजल्स, आप लोगों को जो टेंडर के जरिए से आप उसको करेंगे और आपके पास प्रपोजल्स आएंगे आप उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे। और फिर उसके बाद पुटिंग सिस्टम्स इनटू प्लेस, फिर प्रैक्टिकली आप उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव कन्वर्जन उसकी क्या होगी। तो ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है, हर एक को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने जो एरिया डिस्कस किया वो हमने किया डेवलपिंग ए लाइब्रेरी प्रोफाइल। तो आज के लिए इतना काफी था, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को मैं ये और चीजें भी बताऊंगा। और जो मैंने अभी आपको बताई है ये भी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है जो मैं कल शेयर कर चुका हूँ, और जो मैं आने वाले क्लासेस में 2 क्लासेस में आप लोगों को लूंगा वो भी इसी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। तो काइंडली आप लोग ऐसे करें कि इस प्रेजेंटेशन को
आप लोग रीड आउट करें, फिर अगर फिर आप लोग को आसानी रहेगी तो कोई मसला होगा तो फिर उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और अभी जो मैंने आप लोग को ये लेक्चर दिया ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये भी थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो जिन लोगों ने क्लास नहीं ली है कांडी उनके साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। नहीं तो जो प्लानिंग लाइब्रेरी प्लानिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन ये मैंने शेयर किया है, प्रेजेंटेशन भी शेयर किया है और वीडियो शेयर नहीं की थी। तो वीडियो जो है इस लेक्चर की अभी मैंने कर ली है, इससे पहले लेक्चर की मैंने नहीं की थी। वो आसान है, ऐसा कोई मसला नहीं, वो प्रेजेंटेशन से आप लोग पिक कर देंगे। फिर भी कोई मसला हो तो पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ ना वो सर शाह साहब की क्लास है इसलिए मैंने इसको जी 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 सर आप प्रॉपर सा टाइमिंग तो बता देना अपनी क्लास की, हमें पता नहीं होता आपकी क्लास कब है सर। अच्छा इस तरह है ना कि मेरे पास टाइम टेबल नहीं था, तो कल मेरे साथ टाइम टेबल शेयर हुआ है तो उसमें मेरी क्लास जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को आ रही है आप लोग के साथ। ठीक है तो आप लोग के साथ मैं सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे को क्लास लूंगा 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये आप लोग नोट कर लें। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की आप लोग के पास टाइम टेबल है अपना लाइब्रेरी ऑटोमेशन की क्लास की? मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 5 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद 5 बजे आप लोग लेते हैं क्लास, 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं। आजकल हम वैसे भी फारे हैं, घर में बैठे होते हैं, छुट्टियां हैं हमारी, तो मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोग मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, आप लोग मुझे मुझे टाइम बताए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम थर्सडे और फ्राइडे को सिर्फ नहीं लेते हैं क्लासेस, हम एक दिन और भी लेते हैं, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं तो मैं एक प्रैक्टिकल लेट सपोज मैं कोहा पढ़ा रहा होता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान लेवल पे जहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है उधर में ऑटोमेशन के हवाले से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर जो है वो पढ़ाता हूँ अपने लाइब्रेरियंस को, तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं जब भी आप कहें इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूंगा। अभी आप लोग का सेमेस्टर चल रहा है तो अभी भी मैं हाजिर हूँ, सेमेस्टर के बाद भी। मुझे पता है ये चीज ऐसी है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होगी तब भी आपको जरूरत होगी, तो इंशाल्लाह तब भी मैं हाजिर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप लोग टाइम जो है खुद फिक्स करें, ठीक है। मेरी तरफ से तो 9 से लेकर 10 बजे तक आप लोग के लिए टाइमिंग है, या 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक, जो आपको फिजिबल हो। तो ये एक क्लास है तो फिर टाइम टेबल जी 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 तो वो असल में जो लोग ग्रुप में वो है मौजूद है तो उनको तो पता चल गया था, जो ग्रुप में नहीं है। असल में मैंने आप लोगों के साथ एक क्लास भी जो है वो फिजिकली नहीं ली है ना, तो मुझे ना टाइम टेबल का पता था ना जो है मुझे आप लोगों से एक्वेंटेंस है और ना मुझे पता है कि कितने बंदे आप लोग क्लास में। तो ये सारी चीजें जो है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये कवर होंगी। और अगर आप नहीं थी उस क्लास में तो मेरी जो है ये वीडियो ये मैं शेयर कर लूंगा, तो ये उस वीडियो को इंशाल्लाह पिछले क्लास को भी ये कवर करती है, तो आप लोग ये भी देख लें और जो प्रेजेंटेशन है वो भी देख लें। फिर भी कोई मसला हो मुझे पता है मैं रिपीट कर लूंगा। आप कहां पे शेयर कर रहे हैं? एक ग्रुप है, दो ग्रुप हमने ग्रुप बनाया है जिसमें सारे टीचर्स ऐड है ना, तो उनमें सर शेयर करते हैं, तो तुम्हारा जिसके साथ कांटेक्ट है उसको कहो कि वो तुम्हें सेंड किया करे। मैं इस तरह भी कर लेता हूँ ना, मैं इस तरह भी कर लेता हूँ कि आप लोग के जिन बंदों की ईमेल्स हैं मैं ईमेल्स पे भी सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर मसला ना हो। ग्रुप में भी करूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं एक बार शेयर कर लूं तो मैं अगर ग्रुप में करूंगा तो भी ठीक है, इंडिविजुअल कहते हैं इंडिविजुअल भी दे दूंगा, या आप कहते हैं कि मुझे ईमेल करें तो मैं ईमेल भी सेंड कर दूंगा। मेरा नंबर जो है आप लोग के पास है
जी सर ग्रुप में शेयर क्या करें बस सही है। हाँ चलो ठीक है, आप लोग एक दूसरे के साथ खैर कॉपरेशन करें ना, ठीक है। मैक्सिमम लोग ग्रुप में अवेलेबल है तो जो नहीं है उन तक ये चीज पहुंचाए, या मेरा नंबर उनके उनको दे दें, या मुझे वो ईमेल अपना भेज दें, मैं ईमेल पर उसको भेज दूंगा, ठीक है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह हर एक लिहाज से जिस तरह भी होगा आप लोग के साथ कोऑपरेट करूंगा। आप लोग के पास टाइम टेबल है कि नहीं आप मुझे ये बताएं। अच्छा एक देखो, एक ने कहा कि मैं गरीब हूँ मेरे पास नहीं, बाकी लोग कह रहे हैं कि मेरे पास है, तो ठीक है। हाँ तो इस तरह है कि नहीं बेचो नहीं, जो गरीब है उनको फ्री में दे दो। तो हाँ तो